आदर अभिनंदन आभार नमस्कार सलाम सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा आपकी होस्ट आपकी दोस्त लेके हाजिर हूँ आप सबका मन पसंदीदा प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज, दिल को दिल से जोड़ती स्टेज, वो स्टेज जिसमें बातें करते हैं हम दिल की। कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत खास होते हैं, दिल के अजीज होते हैं, दिल के करीब होते हैं, तभी तो उनके लिए कहा जाता है किसी खूबसूरत पल का, किसी खूबसूरत पल का किस्सा बन जाता है, किसी खूबसूरत पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं कुछ लोग जिंदगी में ऐसे, मिलते हैं कुछ लोग जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। जी जनाब, वही खूबसूरत रिश्ता है हमारा और आपका। हमारी यही दुआ रहती है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और फूलों की तरह महकते रहें और आसपास अपनों को भी महकाते रहें। जनाब, हर बार की तरह दिल की ओपन स्टेज आ गई है बहुत ही खूबसूरत नगमे लेके और बातें लेके। नगमे और बातें तो होते ही बेहतरीन हैं दिल की ओपन स्टेज में, मगर साथ साथ ये जो खूबसूरत सी फरमाइशें होती हैं ना हमारे कॉलर्स की, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा लगता है उन फरमाइशों को सुनना, उन्हें पूरा करना। तो आज होगी दिल की ओपन स्टेज बहुत ही खूबसूरत नगमों से भरी हुई, मगर इसका आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फरमाइश से जो की है सरस कुमार जी ने एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। जी जनाब, वो कहते हैं ना, एक फरमाइश दिले नादान करता है बार बार, एक फरमाइश दिले नादान करता है बार बार, तुमसे मिलना बार बार तुमसे ही मिलना। जी जनाब, हमारे भी दिल की यही फरमाइश होती है कि हम आपसे मिलें, बातें करें और खूबसूरत दिल की ओपन स्टेज को सजाएं। तो जनाब, फूल तुम्हें भेजा है खत में, आशा करती हूँ सरस कुमार जी को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, क्योंकि आज हम बातें करने वाले हैं ख्वाबों पे, सपनों पे। हकीकत को तो हर कोई जानता है, हकीकत थोड़ी बहुत सबकी आसपास ही होती है, मगर सपने ऐसे होते हैं, सपनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है कि सपनों में हम जो चाहें पा सकते हैं, बस ज़रूरत होती है उसे मन में बिठाने की। सपनों का देश अलग ही देश होता है। कई अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी इच्छाएं जो मन के किसी कोने में दब सी जाती हैं, अक्सर सपनों के रूप में हमारे दिल के किसी कोने में चुप सी पड़ी ये ख्वाहिशें जागने लगती हैं और एक खूबसूरत दुनिया की तरह चलने फिरने लगती हैं, और ऐसा लगता है कि हम अपनी उन ख्वाहिशों को जी रहे हैं। और ये सपने ही होते हैं जो इन ख्वाहिशों को पूरा करने की ओर ले जाते हैं। ये ख्वाहिशें ही होती हैं, ये सपने ही होते हैं जो मन में ये विचार जगाते हैं, ये ख्वाहिश जगाते हैं कि अगर ये सपने पूरे हों तो हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सपनों में ही उनका पूर्ण रूप देख लेते हैं कि जब सपने पूरे होते हैं तो कितनी खूबसूरत और हसीन ये ज़िंदगी होती है। वो कहते हैं ना, मेरे ख्वाबों को तुम बिखरने न देना, बहुत प्यार से थामा है तुम्हारा हाथ अपने हाथों में। जी जनाब, ख्वाब तो बहुत से होते हैं, मगर किसी के साथ ज़िंदगी बिताने का ख्वाब, जिसके साथ दिल रहना चाहता है, उसके साथ रहने का ख्वाब पूरा हो,
जल्द, यही है एक सुंदर सा नगमा। दिल की ओपन स्टेज में बातें हो रही हैं आज ख्वाबों की, सपनों की। अक्सर सपने हकीकत से बहुत अलग होते हैं। कह लीजिए कि हकीकत में जो नहीं मिलता, सपनों में वो सब हमें मिल जाता है, या कहीं ना कहीं सपनों में उसको पाने की राह मिल जाती है। तो सपने तो हम बहुत सजोते हैं, और रात को जैसे ही निंदिया रानी आँखों में आती है, साथ साथ खूबसूरत सपनों की सौगात भी ले आती है। कुछ लोग ख्वाबों की तरह ही हमारी ज़िंदगी में आते हैं, और जैसे ही हकीकत से सामना होता है, या तो ख्वाब सच बन जाते हैं या फिर ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। तो बातें हो रही हैं आज ख्वाबों पे, खूब से कॉलर भी है हमारे साथ लाइन पे। सुनते हैं दिल की ओपन स्टेज, सपनों से सजी स्टेज, जिसमें हम सपनों में जो देखते हैं जिन फिल्म स्टार्स को, उनके खूबसूरत नगमे सुनते हैं, और कभी ना कभी एक दूसरे को भी सपने में ही देख लेते हैं। इसी के साथ कॉलर्स हैं हमारे साथ लाइन पे, सुनते हैं उनकी बात। हेलो। हेलो, नमस्ते रखी जी। नमस्कार मनजीत मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। मैं देख रही थी, मैंने कहा आपको लगता है खांसी लगी हुई है थोड़ी। जी जी जी, खांसी एकदम से आ गई। वेदर की वजह से या कुछ? हाँ कुछ वैसे की बार समो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं वेदर की वजह से, बट समो की बार पता नहीं चलता। या बड़ी देर बाद आपसे बात हुई। जी, मेरी ना बेटी आई हुई थी मिलने के लिए, 3 हफ्ते की बच्चों को छुट्टी थी। okay. तो सारी फैमिली यहाँ पर आए हुए थे, तो वो चली गई वापस। अच्छा, प्रोग्राम देखती थी रोज थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई। प्रिया, योर डॉटर इज प्रिया ना? प्रिया है, प्रिया है ना आपकी डॉटर? प्रिया जी, जी, जी। आपको याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल। जी, नहीं हम भी आपको भूले तो नहीं है, बस यही मजबूरी थी थोड़ी सी, आए हुए तो घर में ना। अच्छा। बातें बातें करते बच्चों के साथ, वही मस्ती हो रही थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चलता। आई नो जी, दैट्स वेरी नाइस। अभी तो घर चुपचाप हो गया, तो अभी मैंने आपके साथ बात कर लूँ। बहुत अच्छी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं आप ना, सपने या ख्वाब जैसे बोल रही हैं। जी जी। तो मेरा तो उस पर ये कहना है कि सपने जो होता है हर एक इंसान देखता है। बिल्कुल। जैसे बच्चा अपनी होश संभालता है, बड़ा होता है तो सपने देखता है। जी। तो सपने अगर पूरे हो जाते हैं तो खुश हो जाता है, नहीं होता तो निराशा तो हो जाती है। बिल्कुल। और सपने भी अब 2 तरह के होते हैं, जैसे एक रात को देखते हैं और एक जो दिन में देखते हैं, जैसे ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्याली डे ड्रीमिंग। जी हाँ, और उनमें जो देखते हैं आप डे ड्रीमिंग, वो सपने जो होते हैं उसमें आप देखते हो कि आपने लॉटरी विन की है, तो उससे क्या क्या खर्च करूंगा, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा बड़ा घर लूंगा, तो वो जो पूरी नहीं होती है बातें, तो फिर तो निराशा तो होती है। निराशा, बिल्कुल। पर ये इंसानियत की यही है कि उसने सपने को देखता ही, सारी जिंदगी भर देखता रहता है, क्या बुरा हो क्या जवान हो। बिल्कुल, वो बच्चे हों बड़े हों, सपने सबको ही आते हैं, सपने सबको ही आते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सपने आते हैं, पर ये है कि हाँ मतलब रात को जो देखते हैं वो कई बार सुबह उठकर भूल जाते हैं। तो कई लोगों को जैसे ऐसे ही अकेले बैठे हैं तो तुम्हारा दिमाग कहीं कहीं घूमता है, रात ऐसी बस सपने देखने लगे होते हैं, वो रात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि कुछ सपने दिन के जो कुछ सपने होते हैं सुबह सुबह आते हैं, वो सच भी हो जाते हैं। बहुत सी चीजें साथ में वो होती है, मिसकंसेप्शंस जुड़ी हुई है ना। जी। तो मेरा एक गाना है प्रेम रतन धन पायो का, जो टाइटल सॉन्ग है। जी जी, प्रेम रतन धन पायो। आपको टाइम मिला तो सुना देना। जरूर जरूर, हम आपकी फरमाइश जल्द पूरी करेंगे। बड़ा अच्छा लगा इतनी देर बाद आपकी आवाज सुन के। तो जी कॉलर्स हैं प्यारे प्यारे से हमारे साथ लाइन पे, और बातें हो रही हैं ख्वाबों की। इसी के साथ करते हैं हमारे अगले कॉलर से बात। हेलो। हेलो राखी जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जयदीप सर, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं?
मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका उन्मान भी आज बहुत बढ़िया है जी, तो जी, मैं एक आध शेर जैसे पेश करता हूँ, पेश अर्ज कर रहा हूँ जी जी। ख्वाब ही ख्वाब कब तलक देखूं, काश तुझे भी एक झलक देखूं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। एक बार छोटा सा सुनिए जी, जी कि तेरे ख्वाबों की लत लगी जब से बस रात का इंतजार रहता है। वाह क्या बात है, ये शेर आपके प्रोग्राम के लिए भी सही बैठता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, दिल की ओपन स्टेज सबके लिए खास है बहुत जी। बिल्कुल जी, जी। और एक और दो लाइन सुनिए आखिरी, और ये हमारी हमारे जिंदगी में हर शख्स के लिए ख्वाब कितना जरूरी है जी, ये इसमें बयान हो रहा है कि काफी कुछ खो जाता है एक कामयाबी को पाने में, कई रातों की ख्वाबें लगती हैं अपना दिन लाने में। क्या बात है, सच्चाई है, बेहद सच जी जनाब जी जी। और एक फरमाइश है, दो लाइनें बता रहा हूँ अगर कभी पेश कर दें जरूर जी। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की बीना की धुन तू बलमाज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की बीना की धुन तू बलमाज सुन। ब्यूटीफुल सर, बहुत जल्द हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, लवली टॉक, थैंक यू जी, बाय बाय बाय। तो जी आज बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें हो रही हैं, क्योंकि ख्वाब सबको ही प्यारे होते हैं। इसी के साथ सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की बात। हेलो हेलो, नमस्कार सईद सर, कैसे हैं आप? बेटा बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी जी जी। आप आराधना गर्दी में जमीन फिर जी, अनेक गर्दी में विचार हो जाए तो जी जी जी। नहीं, हमारी प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। बातें हो रही हैं ख्वाबों पे, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा ख्वाब के दो टाइम होते हैं, जब आप लेते हैं मित्र में तो उस वक्त आपकी जो जीवन में सोच है वो आपको ख्वाब की शक्ल में नजर आती है जी। दूसरी ये कि जब आपकी नींद पूरी हो जाती है, सुबह का टाइम करीब रहता है जी, तो आपको उस वक्त जो सपना नजर आता है, ख्वाब नजर आता है, वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद सालों में पूरा हो जाता है, वो हकीकत होती है जी। एक तरह से समझिए कि भगवान जो है वो उसका अवतार आपको खबर देता है कि तुम्हारे साथ ये अच्छाई होने वाली है, ये बुराई होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, बेहद खूब, बहुत अच्छा कहा आपने ख्वाबों के बारे में। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। ओके जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज में। ख्वाबों से सजी स्टेज, प्यार से सजी स्टेज, दिल की बातों से सजी स्टेज। ख्वाब सपने बहुत ही दिल के नज़दीक होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ख्वाब अक्सर हकीकत से हटके होते हैं, मगर कहीं ना कहीं जुड़े भी हकीकत से ही होते हैं। या तो हम उन ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, या फिर हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, जो जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं आंखों में सपनों का रूप ले लेता है, और हमारी आंखों में एक तस्वीर की तरह, एक मूवी की तरह चलने लगता है। तो ख्वाब और हकीकत का गहरा नाता है। बाकी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को
या कह लीजिए जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें ख्वाबों में देखते हैं, हकीकत में भी देखते हैं मगर सिर्फ देखते हैं। उन्हें जिंदगी का हिस्सा बनाने का एक सपना होता है, ख्वाब होता है, जो पूरा होने का हमेशा इंतज़ार करते हैं। अगर ये मन में डर हो कि पता नहीं पूरा हो या ना हो, तो मन से यही आवाज़ आती है कि काश तुम्हारा चेहरा, काश तुम्हारा चेहरा रोज़ ख्वाबों में आ जाए, काश तुम्हारा चेहरा रोज़ ख्वाबों में आ जाए, मर जाए मगर नींद से जागने की ज़रूरत ना करे। जी जनाब, ऐसे खूबसूरत से चेहरा जब ख्वाबों में आता है तो डर लगता है कि कहीं आंखें खुलते ही हकीकत में बदल जाने पे वो गायब ना हो जाए। जी जनाब, मेरे सपनों की रानी कब आएगी? सबको इंतज़ार रहता है, किसी को सपनों की रानी का तो किसी को सपनों के राजा का, तो किसी को अपने ख्वाबों की मंजिल का, ज़िंदगी में जो हासिल करना है उस मंजिल तक जाने का। इसी के साथ कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पे, सुनते हैं उनकी बात। Yeah, so today also I was holding it, then you gave that Queen Divya song of the Vanan, you know. Yeah, it's a beautiful song. I don't know whether I told you about that incident, you know, particularly about this Queen Divya, when the shooting was going on for this film, you know, there were two tragedies that happened. Did you know those tragedies, what happened? No, I don't know. During this, yeah, I don't know. He lost his father at that time. Oh my God! Okay. Yes, when at Queen Divya, and then he had to stop the shooting for that particular day. Oh. When he came the next day or the third day to start the shooting, the other bad news came was Guru Dutta died. Oh my God! That's so sad. Two very close people of his, you know, I know, passed away, and in that particular thing he was singing this song. So he very must have difficult. Got himself so balanced, you know, to come out of that particular situation, and to sing that particular song was so difficult, really speaking. I understand. So two things happened during Team Divya. Oh my God. Yeah. Really, but one just can't count. That's what I feel the real actor is, you know, that how he has balanced his emotions as well as his acting. That's and right. Yeah, you have to balance the emotions. Absolutely. That's so important. And this particular song of yours, Sapno Ki Rani from Aradhana, is another hit song, you know. I know. It's a and surprisingly, both were not together when the shooting was going on. Okay, Sharmila Tagore and Rajesh Khanna. Rajesh Khanna and Sharmila Tagore were not together. Rajesh Khanna thing was doing separately because she was not available. She was shooting for another film. And then her shooting was taken afterwards. But the fact was done so well that you see that she's right there and he's singing for her. And how beautifully they have picturized, oh my God, Anna. I know, that Shakti Samanta has done so well, you know. Anyway, these are the news that we get, you know. It's really great to hear all those stories behind the scenes, Anna, jo aap hamesha recite karte hai. Really, it's lovely. These are the dreams that come true. Absolutely. Very well said. Nice seeing you. Start driving again and make it a true thing. Definitely. It's lovely talking to you. And stay blessed. Talking to you too. It's so sweet to talk to you. Same here, man. Same here. It's likewise. Bye-bye. Take care. Good night. Bye-bye. Take care. Bye.
डॉक्टर जी, अंजलि मैम इज सो लर्नर्ड, और देवानंद की बात की जाए तो मेरे को लगता है उनको देवानंद की लाइफ के हर एक मिनट का पता होगा, और वो हमेशा कोई ना कोई एक अच्छा सा सीन बिहाइंड द सीन्स कह लीजिए हमें बताती हैं कि उसके पीछे क्या स्टोरी छुपी है। तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनसे क्या आप सबसे ही बात करके, क्योंकि आप सब हमारे लिए बेहद खास हैं और दिल के पास हैं। जैसे कि बातें हुई आज ख्वाबों पे, आपसे भी बातें हुई, खूबसूरत नगमे भी सुने, मगर वो कहते हैं ना, जो वक्त है वक्त को ख्वाबों में नहीं तोल सकते, क्योंकि वक्त आ ही जाता है हकीकत में। तो हमारा भी वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का, आपसे रुखसत लेने का। जल्द मिलेंगे दिल के ओपन स्टेज के नेक्स्ट एपिसोड में। किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतजार। धन्यवाद।